शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में हैमलेट की बात अक्सर होती है। एक डैनिश प्रिंस की कहानी है। इसके कैरेक्टर के बारे में बताते हुए क्रिटिक ने कभी लिखा था कि शेक्सपियर प्लांटेड एन ओक ट्री इन चाइना वॉज विच वॉज फिट टू रिसीव ओनली डेलिकेट प्लांट्स, द रूट्स स्ट्रक आउट एंड द जार वॉज ब्रोकन। एक जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हुए हैमलेट आखिर में मर जाता है। उसकी मृत्यु मुझे सिंबॉलिक ज्यादा लगती है। होता यूं है कि जब आप हालात के आगे सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो फिर आप अपनी डेस्टिनी को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। एक कहानी सुना रहा हूं आज, आज से लगभग 40 साल पहले लिखी थी। जब ये छपी थी तो उस समय लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। इसका टाइटल है एक और हैमलेट। आपकी यात्रा शुभ हो, काश यह जीवन यात्रा भी शुभ होती। डिब्बे की खिड़की से अचानक अपनी गोद में आ गिरे मुड़े तुड़े कागज पर लिखे शब्दों को मैं पढ़ता हूँ, अपने अंदर ही झुंझलाने का एक तीव्र एहसास होता है मुझे, और फिर कागज का वह टुकड़ा खिड़की से बाहर हवा में लहराता हुआ कहीं दूर उड़ जाता है। मैं शायद अपने आप से ही डर रहा हूँ। वह टुकड़ा मैंने अगर डिब्बे के अंदर ही कहीं फेंका होता तो थोड़ी देर बाद मैं उसे स्वयं ही उठा लेता। बहुत संभव था उसे अच्छी तरह तहाकर बटुए की किसी भीतरी जेब में संभाल लेता। अपनी इस निर्बलता का पूर्वाभास पाकर ही फेंका होगा मैंने उसे खिड़की से एकदम बाहर, पर छुटकारा नहीं पा सका मैं उससे। शून्य में टके उस कागज पर समय की सलवटें भी तो नहीं पड़ने दी मेरी एक टक टिकी निगाहों ने। मुझे अक्सर लगता है कि मैं ट्रेन के डिब्बे की खिड़की के पास वाली सीट में बैठा हूँ। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। खिड़की से बाहर झांकता हूँ मैं। भीड़ भाड़ और कोलाहल से परे प्लेटफॉर्म पर अस्पष्ट है सब कुछ, धुंधला सा, और बस इसके बाद ट्रेन की अनवरत खट खट, वो इंजन से निकलने वाला वेदना का काला धुआं जरा तो मैला करता कागज पर लिखी इस इबारत को। सच कितना मौना हो जाता है कालचक्र कभी कभी अपने से बहुत छोटे इस जीवन के सामने। गंगा की इस ठंडी रेत को मुट्ठी में बंद कर जीवन के दर्शन को समझने का प्रयास न जाने कितनी बार किया है मैंने। मुड़ी तुड़ी उंगलियों के अंदर बहुत कुछ समेट लेने की संतुष्टि के बाद जब भी हथेली को खोलता हूँ तो स्वयं को मुंह चिढ़ाता खालीपन जैसे सारे माहौल में फैल जाता है। जीवन में भी तो बहुत कुछ फिसल गया उंगलियों की शक्तिहीन बंधन से, और वह सब शायद इस रेत जैसा निष्प्राण नहीं था। साहित्य में एमए करने के एकदम बाद मेरी नियुक्ति स्थानीय विश्वविद्यालय में ही प्रवक्ता के पद पर अस्थायी रूप से हो गई थी। कितने स्वप्निल दिन थे वे। शेले और बायरन के रोमांटिसिज्म से रंगी मेरी मानसिकता अपने आसपास की दुनिया से बहुत दूर किसी रोमानी धरातल पर विचरा करती थी। कल्पना के क्षितिज पर बहुत इंद्रधनुषी स्वप्न थे तब। इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ पा लेना चाहता था मैं। एमए फाइनल क्लासेज में हैमलेट पढ़ाने को दिया गया था मुझे। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ खो जाया करता था मैं। अपनी आवाज़ से स्वयं ही सम्मोहित हो जाने का अजीब सा कॉम्प्लेक्स था मुझमें। सामने बैठी हुई क्लास धुंधला कर कहीं विलीन हो जाती थी और मैं आसपास की दुनिया से कटकर ऊंचा उठ जाया करता था, बहुत ऊंचा। उसी ऊंचाई से अचानक गिर पड़ने का एहसास है शायद, जो मुझे हर बार सालता रहता है। क्लासेज के बाद मैं उस दिन अपने रूम में अकेला बैठा था। हमारे विभाग के एक अन्य प्रवक्ता अचानक ही मेरे कमरे में आए। किताबों को थोड़ी देर यूं ही इधर उधर पलटने के बाद वह मुझसे कहने लगे, यू आर रियली लकी डेविल यार, सुना है आजकल फाइनल क्लासेज में बड़ा इंतजार रहता है तुम्हारा। उसकी बातों को अपने कुशल अध्यापन का प्रमाण पत्र मान मैं मन ही मन गर्व से तन गया। मुझे अनुभव ही क्या है अभी, बस थोड़ा बहुत जो आता है पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर देते समय मेरी आवाज में अवश्य ही जबरदस्ती उड़ी हुई विनम्रता का अजनबीपन रहा होगा। अमा पढ़ाने वढ़ाने की बातें कौन करता है, वो उस क्लास में जो फ्रंट रूम में बैठती है ना, मिस यूनिवर्सिटी, अरे ये नाम है जिसका, सुना है उसकी मेहरबान नजरें आप पे हैं। मेरे मुंह का स्वाद एकाएक कसैला सा हो आया था। उसके कहने के अंदाज से मैंने स्वयं को अपमानित सा महसूस किया था। अपने एक ही वाक्य में उसने जैसे मेरे सारे साहित्य प्रेम और कुशल अध्यापन को महत्वहीन बताकर अस्वीकार कर दिया था। अपने मस्तिष्क में पल रहे
अव्यवहारिक आदर्शों की पृष्ठभूमि में मैंने उसकी बातों को मानसिक विकृति या ऐसा ही कुछ और नाम देकर भूलने की कोशिश की होगी। वैसे अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं से मेरा कोई घनिष्ठ संबंध था भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम रहे होंगे मुझे तब तक। क्लासेस में जाने के बाद अपने और साहित्य की रोमानियत के मध्य किसी की उपस्थिति को स्वीकारना भी नहीं चाहता था मैं, और फिर अपने द्वारा कही बातों को 55 मिनट तक स्वीकारात्मक ढंग से सुनने वाले श्रोताओं को पाकर मेरे अहंग को तुष्ट हो जाने का एक बहुत अच्छा साधन मिल गया था। मनोवैज्ञानिक आधार पर यूं संतुष्ट हुए मेरे अंदर के आदमी ने इससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश शायद की ही नहीं होगी। पर अगले दिन मैं क्लास में सामान्य नहीं रह सका। 55 मिनट तक बराबर अपने ऊपर टिकी एक जोड़ा आंखों का संबंध अपने सहकर्मी द्वारा बताए गए नाम से सहज ही जोड़ लिया था मैंने। उन दो आंखों के ठंडे स्पर्श को पूरे पीरियड भर अपने चेहरे में महसूस करना फिर धीरे धीरे एक आदत ही बन गई। शेक्सपियर के जीवन दर्शन को पढ़ाते हुए मैं क्लास में थोड़ा भावुक सा हो गया था उस दिन। बिना किसी दोष अथवा चारित्रिक उत्तरदायित्व के सारी उम्र मात्र विधि के हाथों का खिलौना बनकर अनचाही वेदना को भोगने वाले उसके नाटकीय चरित्रों में बहुत आकर्षण था मेरे लिए उस समय। किंग लेयर के या फिर उमर खयाम के किसी उद्धरण के साथ ही अपने व्याख्यान को समाप्त कर पूरी कक्षा को सम्मोहन किसी अवस्था में छोड़ मैं एक विजेता की भांति अपने रूम में लौट चुका था। उसी दिन मेरे ही कमरे में आके एक अजीब सा प्रश्न पूछा था तुमने। अतीत के धुंधलके से निकलकर दो ओठ कभी कभी अब भी फुसफुसाते हुए कहते हैं, सर साहित्य के इन चरित्रों के इतने नजदीक जाकर क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि जीवन अनचाहे क्षणों की एक लंबी कतार को शेक्सपियर के हैमलेट की तरह भोगने की प्रक्रिया मात्र है? विधि के अतिरिक्त मनुष्य भी तो छलावा करता है अपने साथ, अपनी स्वाभाविक चाहत का गला दबाकर। क्या उसे विजेता होने का एहसास नहीं होता? फिर किसी अदृश्य शक्ति को भाग्य का नाम देकर स्वयं को दोषमुक्त करने से क्या फायदा? मनुष्य भी तो उत्तरदायी है जीवन की त्रासदी के लिए। ऐसा ही कुछ एक सांस में कह डाला था तुमने, हिस्टीरिया के रोगी की तरह। और इसके बाद अपनी नम आंखों के ठंडे स्पर्श से मेरे अंतर्मन को खनूचते हुए एकाएक कमरा छोड़ दिया था। एक सीमा तक उद्वेलित कर दिया था इस घटना ने मुझे। कल्पना के सुनहरे दागों में जकड़ी मेरी मानसिकता अपने आदर्शों का मूर्त रूप किसी भी मनुष्य में शायद देखना ही नहीं चाहती थी। कल्पना निसीम है ना, उसकी रंगीन रेखाओं से बनी अस्फुट तस्वीरों में भी मनुष्य अपने मन के अनुरूप सब कुछ देख लेता है। स्वयं को छलने का इससे सुलभ तरीका और है भी तो नहीं? ठीक ही कहा था तुमने, अपने आप को कुचल कर विजेता कहलाना अच्छा लगता था मुझे। स्वयं से लड़ते हुए कुछ समय और बिताना था मुझे इस विश्वविद्यालय में। एक अजीब सा द्वंद्व था यह, पराजित होना चाह कर भी विजयी होने के भ्रम को बनाए रखना चाहता था मैं। इसी बीच मुझे उच्च अध्ययन हेतु इंग्लैंड जाने का एक अप्रत्याशित अवसर मिला। विश्वविद्यालय की स्थायी नौकरी से तत्काल त्यागपत्र देकर मैंने जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। मुझे लगा था जैसे मेरे स्वप्नों के संसार को एक दिशा मिल गई है। अचानक हाथ आया यह अवसर मेरे भीतर के दम्भी विजेता का जयघोष था जैसे, जिसने तुम्हारी आंखों के ठंडेपन को जुटला दिया था। जाने वाले दिन भी प्लेटफॉर्म पर सी ऑफ करने आए हुए लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हें उस समय देखा था जबकि ट्रेन के पटरी पर फिसलने के साथ ही तुमने कागज का वह छोटा सा टुकड़ा खिड़की से मेरी ओर सरकाया था। इंग्लैंड में तो समय मानो पंख लगाकर उड़ गया था। समय का एक और लंबा अंतराल कहाँ निकल गया मुझे याद नहीं। पूरी तरह से डूब गया था मैं शोध कार्य में। 6 वर्ष के बाद बहुत सी डिग्रियां बटोर कर मैं वापस लौटा था अपने देश। अपने ही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या रीडर का पद आसानी से मिल जाएगा ऐसा विश्वास था मेरा। पर कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी कल्पना के अनुरूप। अचानक त्यागपत्र देकर चले जाने से विश्वविद्यालय का प्रशासन नाराज था। मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा अवसर उन्हें फिर कब मिलता? सारी डिग्रियों को नज़रअंदाज कर प्रवक्ता पद पर ही, जिसमें कि मैं पहले भी कार्य कर चुका था, मेरी नियुक्ति का निश्चय किया गया। प्रशासन के इस अन्यायपूर्ण निर्णय को मानने के अतिरिक्त मेरे पास कोई और रास्ता था भी नहीं, क्योंकि तत्काल ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नियुक्ति मिलना असंभव सा ही था। विश्वविद्यालय में व्याप्त जातिवाद और प्रशासन की भ्रष्टता का शिकार मुझे भी बनना पड़ा। स्थायी नियुक्ति पाने के लिए 3 वर्ष तक पुनः उसी पद पर अस्थायी रूप से कार्य करना पड़ा। मेरी योग्यता, डिग्रियों का बोझ और अध्ययनशीलता
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए किताबें लिखने और सीनियर प्रोफेसर्स तथा वीसी के लिए प्रूफ रीडिंग करने में पता नहीं कब और कहां खो गया। बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए थे उन दिनों। यथास्थिति से समझौता करना ही नियति थी अब मेरी, और फिर कहीं और जाने कुछ और कर सकने का उत्साह भी तो शेष नहीं रह गया था। वही विद्यालय, फाइनल क्लासेस के वही कमरे, काफी कुछ वैसी ही दिनचर्या, पर लगता है इन मूक और निष्प्राण वस्तुओं के अतिरिक्त सब कुछ बदल गया है। अपनी ही आवाज से सम्मोहित होने की आदत नहीं रही अब मेरी। जीवन की त्रासदी को भोगने वाले ये साहित्य के पात्र बहुत बेगाने से लगने लगे हैं अब। उनकी वेदना और कुंठाएं मुझे जरा भी विचलित नहीं करती। एक तटस्थ दर्शक की तरह देखता रहता हूं सब कुछ। हाँ, कभी कभी लगता है जिंदगी के अंतहीन रेगिस्तान में चला जा रहा हूं, दिग्भ्रमित सा, नितांत अकेला। एक चटपटाहट सी होती है, काश इस यात्रा को पुनः शुरू करने का एक अवसर और मिल सकता, पर ऐसा होता नहीं है शायद। हैमलेट फिर से नहीं लिखा जा सकता, शायद कभी नहीं।